पुरानी आईडी कैसे ओपन करें। अगर आपने एक नया फ़ोन लिया है या अपने फ़ोन में फेसबुक की पुरानी आईडी को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फेसबुक है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। अब ये फेसबुक आपको ओपन होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पुरानी आईडी को ओपन करना है जो कि आपको पासवर्ड भी नहीं पता है और यहाँ पे यूजर नेम भी नहीं पता है। तो हम यहाँ पे फेसबुक की पुरानी आईडी कैसे फाइंड करेंगे ये जानने वाले हैं। तो पुरानी आईडी फाइंड करने के लिए हमको जाना है फारगेट पासवर्ड पर। अब फारगेट पासवर्ड पर जाने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, फारगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अलाउ पे क्लिक कर देना है, फिर से अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लुकिंग योर अकाउंट आएगा तो बैक करना है। अब यहाँ पे फाइंड योर अकाउंट यानी आपको फेसबुक की पुरानी आईडी ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर डालना है जो पहले आपका मोबाइल नंबर था। तो उससे पहले हमको सर्च करना है कि हमारी आईडी कौन सा है, तो हम नंबर डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ऊपर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, अब यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारे अकाउंट आ जाते हैं जो कि हमको बताया जाता है कि इस नंबर से इतने सारे अकाउंट हैं। अब इसमें से कोई भी अकाउंट जो मेरा होगा वो ओपन किया जाएगा, तो उस पर हमको क्लिक करना है जो हमको ओपन करना है। तो हमको आईडी मिल गई, उस आईडी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस मिलता है, तो कंटिन्यू और ट्राई अनदर वे। तो हमको ट्राई अनदर वे पे क्लिक, दोस्तों ट्राई अनदर वे पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा नंबर दिखता है और हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि हमको अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे एक नंबर पे ओटीपी आ जाता है जो कि वेरिफिकेशंस के लिए। अब वो ओटीपी डालकर हमको कंटिन्यू करना है। अब हमारा ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाइड कर लेता है, अगर नहीं करता है तो आपको ऊपर से स्क्रॉल कर अपना ओटीपी देख लेना है मैसेज में और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमको अलाउ का ऑप्शन मिलता है, अलाउ कर देना है। और जैसे हम अलाउ करते हैं हमारी पुरानी आईडी के लिए एक पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है, यानी अब हमको एक नया पासवर्ड बनाने का मौका मिल जाता है। तो अब हम नया पासवर्ड भी यहाँ से बना सकते हैं जो कि आसानी से बना सकते हैं आप। तो हमको नया पासवर्ड बनाने के लिए आपका जो भी नाम होगा उस प्रकार से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं। अब हमको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब हमारा एक नया पासवर्ड 6 अंक का या 10 अंक का आपके ऊपर है, बना सकते हैं। बनाने के बाद इस तरह से हमारा फेसबुक आपके सामने लॉगिन हो गया। अब देख सकते हैं वही हमारी पुरानी आईडी जहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन करना है, सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑप्शन इस तरह से आता है, तो हमको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम अलाउ करते हैं इस तरह से हमारी पुरानी आईडी जो थी इस प्रकार से आ रही है और देख सकते हैं लाइव प्रूफ जो मेरा लोगो था, यहाँ से स्किप करते हैं और वही हमारी पुरानी आईडी सेम टू सेम आईडी यहाँ पे ओपन हो गई। तो यही हमारी पुरानी आईडी थी जो पहले हम चला रहे थे, यही आईडी आपके सामने लाइव प्रूफ ओपन हो गई।